नेचुरली पाकिस्तानी तो अलाइंड हो जाते हैं ना हर उस टीम के साथ जो कि अगेंस्ट इंडिया खेल रही होती है, तो अभी आपको भी लगता है कि वो सेंटीमेंट्स अटैच्ड जनूबी अफ्रीका के साथ हैं? मेरा बड़ा दिल चाहता आपने कहा था अफ्रीका वर्ल्ड कप जीते, बैक ऑफ द माइंड इंडिया के ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा, वो बार बार उन्हें अहमदाबाद की याद दिला रहा होगा कि हम अहमदाबाद में फाइनल में आके फेल हो गए। 1.4 अरब लोगों की एक्सपेक्टेशंस का दबाव जो होता है ना बहुत ह्यूज होता है, साउथ अफ्रीका पे इतना दबाव नहीं होगा जितना इंडिया की टीम पे होगा। बासित भाई अग्री करेंगे इस बात से कि वो 100% आवाम का प्रेशर तो होता है ना, और स्पेशली जब जब आप 6 फाइनल हारे हुए हो तो आईपीएल की कंडीशन और यहाँ की कंडीशन डिफरेंट है, जमीन आसमान का फर्क है, वहां पे तो 285 नॉर्मल बात थी, 6 ओवर में 125 टोटल 125 नहीं हो रहा। जब 36 गेंदों पे 54 रन चाहिए थे फिर 24 रन बन गए एक ओवर में, जब 30 गेंदों पर 30 रन चाहिए थे फिर 24 पे 24 चाहिए थे और क्लासन खड़े हुए थे, तब ऐसा नहीं लग रहा था कि 80% मैच चला गया है, भारत के हाथ से निकल गया है? उससे पहले वसीम भाई ये कहूंगा ये रियल चोकर ही है साउथ अफ्रीका, जिस तरह इन्होंने आज चोक किया है मुझे हैरत है कि कैसे 24 बॉलों में 24 रन जैसा बता रहे हैं, यस, और वो नहीं कर सके, उफ, और 80% क्या 95% साउथ अफ्रीका के हाथ में था, आ गया था मैच, पांड्या की बॉल पे जो क्लासन कॉट बैंड हुआ उसके बाद भी इनके हाथ में था। साउथ अफ्रीका को इसलिए मैं ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा, वो हारे हुए मैच जीते हैं, नेपाल से आप देख लें, बांग्लादेश से देख लें, इंग्लैंड से देख लें, मेरे ख्याल से उनकी बॉलिंग बड़ी जबरदस्त है, बैटिंग भी उनके पास इंपैक्ट प्लेयर है, ख्वाहिश है मेरी कि साउथ अफ्रीका जीते, फर्स्ट टाइम कभी नहीं जीता, कभी नहीं जीता और टीम बड़ी जबरदस्त है, और मिला लेकिन बॉलिंग में आके जैसे उसने आउट किया क्लासन को, मेरे ख्याल से वहां से इन्होंने कमबैक किया, उसके बाद बुमराह ने जो इंपैक्ट डाला जबरदस्त, ये मैच जाना नहीं चाहिए था, ये तो 9 बॉल 10 बॉल पहले खत्म कर देना चाहिए था, मिलर इतना लंबा ले गया, वो ले गया एंड तक, लास्ट तक, डीप तक, वो उसका काम था, जैसे वो मोमेंटम बना हुआ था उसको कैरी ऑन करता, उसने लूज किया आके तो लास्ट ओवर तक गया। थोड़ा सा साउथ अफ्रीका को इसलिए दूंगा कि उनकी इस दफा रेजोल्यूशन, उनकी इस दफा डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा हाई है, उनके पास कैप्टन जो है वो बहुत ही कूल है और वो अपनी रग्बी की टीम से जो इंस्पिरेशन ले रहे हैं वो आउटस्टैंडिंग, वो तरह का फ्री क्रिकेट है, एक विकेट ने क्लासन की पूरा मैच बदल दिया, एक कैच ने सूर्य कुमार यादव के, क्या खूबसूरत कैच, रिले कैच लिया के पीछे गया वापस आया, पाउंड टकराने नहीं दिया उसने स्कर्टिंग से, और इस टूर्नामेंट की बेस्ट फील्डिंग साइड और बेस्ट कैप्टन इंडिया रहा। साउथ अफ्रीका के लिए तो वैसे ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है विद देयर कैप्टन जो कि बहुत अच्छा लीड कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया टाइम एंड अगेन फाइनल में पहुंचता है लेकिन वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, यही तो बात है नर्व्स पे काबू रखना जो हम बिग मैच का कहते हैं वही इंपॉर्टेंट चीज होती है, और जिस तरह से क्लासन मार रहे थे और जो शानदार उन्होंने इनिंग खेली है उसके बाद सिर्फ नर्व्स पे काबू रखा, वेटिंग फॉर वन चांस, चांस उन्हें मिला क्लासन के आउट होने के बाद और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से ग्रैब किया, लेकिन इस इवेंट में जो दो टीमें करीब आई हैं भारत को हराने में उन्होंने खुद ही गिफ्ट रैप करके दिया, एक पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों जब 30 बॉल पर 30 रन था तब सब एक तरीके से आप कह सकते हो उम्मीद खो चुके थे कि भारत ये मैच को उस पोजीशन से जीत पाएगा, लेकिन भारत ना सिर्फ जीता बल्कि एक तरीके से इतिहास रचा। इस बात को लेकर पाकिस्तान में रोना धोना है कि मैच से पहले उनका क्या रिएक्शन था और मैच के बाद उनका क्या रिएक्शन है। दोस्तों मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, आप आखिर तक की वीडियो को एंजॉय करिए और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए, 5000 लाइक का उम्मीद रखता हूँ, मुझे उम्मीद है आप सब दिल खोल कर लाइक शेयर करोगे। कह सकते हैं कि जो टीम डिजर्व करती थी बासित भाई, जो टीम डिजर्व करती थी ट्रॉफी उठाना उसने उठाई है, भारत की टीम ने थ्रू आउट जितनी परफॉर्मेंस अच्छी थी उनकी। मैच से पहले तो आप बोल सकते थे कि इंडिया डिजर्व करता है, सही है, सही है। जो क्लासन ने इनिंग्स खेली थी उसके बाद मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए था 100%, ये मैच उन्हें भी यकीन नहीं आएगा। और जो अभी शाहिद भाई ने कैच की बात करी, उफ कमाल, एक अक्षर पटेल का कैच, एक स्काई का कैच, उन्होंने बता दिया कि वो लोग ऊपर ही जा रहे हैं। अजीत साहब इतनी प्रेशर सिचुएशन में आप बाउंड्री लाइन की नोक पे खड़े हैं, आखिरी ओवर है, 6 पे 16 चाहिए और आपको पता है कि अगर ये गया तो फिर 5 पे 10 है, यानी वर्ल्ड कप, वो वर्ल्ड कप पकड़ा है असल में उन्होंने, बार बार वर्ल्ड कप पकड़ा है, छोड़ा है, पकड़ा है, फिर बिल आखिर जो है वो होल्ड कर लिया है। देखिए ये गेम हाथ से निकल चुका था, उसके बाद वो इंडिया जीता है, तो इसमें मैं कहता हूँ ये साउथ अफ्रीका का ज़्यादा कमाल है कि इस पॉइंट पे जब 24 पे 24 चाहिए थे उसके बाद आप कैसे हार सकते हैं। क्या उसके बाद बासित भाई क्या स्ट्रैटेजी गलत हुई कि यानी अब तो या हाइंडसाइड में हम कह सकते हैं कि जब आपको 24 पे 24 चाहिए तो उसके बाद तो मैच अब हाथ में आ गया, अब रन अ बॉल ही, अब आप अननेसेसरी शॉट ना खेलें, रिस्क ना लें। वसीम भाई आउट होना ना, जो आउट होता है बैट्समैन, जैसे क्लासन आउट हुआ, वो इंपैक्ट डालता है T20 में, सही है, लेकिन उसके साथ वहां पे मिलर मौजूद था, सही है, और जो इस टाइप का प्लेयर है कि आराम से मैच जितवा देता है, मैंने उसको खुद देखा है 20-20 रन करते हुए, नो डाउट वो कैच जो उसका हुआ है, हम ये तो नहीं बोलेंगे खराब फील्डिंग या
बैट शॉट वहाँ पे 16 रन जब चाहिए थे शॉट यही फिर तो यही था। करना था हाँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक टाइम पे मुझे लगा इंडिया की बॉडी लैंग्वेज के वो भी समझ गए थे कि निकल गया जहाँ पे बुमराह ने ओवर करा है ना हाँ, हाँ। वहाँ से उन्होंने उसने जान पैदा कर दी इंडियन टीम में मेरा ख्याल है एक या दो रन दिए और विकेट निकाली है एंड गुड कैप्टनसी की कप्तान ने उस वक्त बुमराह को ओवर कराया। आज के मैच में मुझे माकरम की कप्तानी अच्छी लगी अच्छा निस्बत कि उसने जो नया बॉल कराया ना महाराज से हाँ हालांकि दो बॉल पे दो चौके लगे उसने वहां पे 6 ओवर में इंडिया को बैकफुट पे कर दिया था हाँ। अगर 3 आउट नहीं होते तो वो बात बोल रहा हूँ जो लोगों को बुरा लगेगा वो क्या आपको विराट के 76 रन नजर नहीं आते 75 रन ब्रिलियंट कैप्टनसी बाय रोहित इसलिए कि आप 18वां और आप सोचते रह जाते कि मैं 19वां आगे दो में क्या करेंगे मैं 19वां करवाऊं बुमराह से या 18वां करवाऊं उसने अपने दो बेस्ट बॉलर से 18वें और 19वें ओवर करवाए 18वें में 2 रन 19वें में 4 रन लेकिन दिलेरी दिखाई ना उसने बेहतरीन कप्तानी और उसने जिस वक्त पांड्या को लाया उसने पांड्या को बताया कि ऑफ साइड या ऑफ स्टंप बॉल करना अच्छी खासी वाइड थी अगर क्लासन वो छोड़ भी देता तो वो वाइड हो जाती कामरा भाई कप्तानी किसकी कप्तानी बेहतर रही आपके ख्याल में ये स्मार्ट कैप्टनसी होती है दो ओवरों में 20 रहता हो ना तो आप 19वां ओवर अपने बेस्ट बॉलर से करवाते हैं हाँ। कि कम से कम रन्स दे लास्ट ओवर में ज्यादा से ज्यादा हो उसमें चांस बने तो बड़ी स्मार्ट कैप्टनसी उसके बाद देखें बड़ा मैच था बड़ा प्लेयर था और बड़ी इनिंग्स खेला विराट कोहली जैसे 3 आउट हो गए थे उसने अपनी क्लास दिखाई क्लास परमानेंट है वो मेरे ख्याल से वो एक क्या नाम है टाइम था कि वहाँ पे एक और पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती जल्दी जैसे अक्षय पटेल की और विराट कोहली की लगी है तो शायद ये 150-160 के अंदर टीम आउट हो जाती ठीक है ये भी बड़ी बात से बच गया विराट कोहली अगर इंडिया हारता मैं ये कहने लगा था ये मेरा अगला सवाल था देखिए ये बड़ी अजीब सी बात है इसी तरह की इनिंग रिजवान खेले 48 पे 50 हो और बाद में मौका मिल जाए तो 20-25 रन बना ले तो हम कहते हैं यार ये क्या किया और ये यहाँ विराट कोहली ने खेला है तो फिर हम तारीफ कर रहे हैं आई अंडरस्टैंड कि दूसरी साइड से विकेट गिर रही थी बट उन्होंने बहुत स्लो किया और ये नजर आ रहा है अगर क्लास क्योंकि जब वो 24 पड़ गया फिर तो तजिए शुरू हो गए थे कि कोहली ने हरा दिया इसी की वजह से हार रहे हैं इंडिया क्योंकि स्कोर इस पिच पे देखते हुए जो गलती की वो साउथ अफ्रीका ने की स्कोर वाज नॉट इनफ तो वो इस वजह से कि वो बीच में थोड़ा स्लो हुआ है नजीब अपने उसकी अपनी राय मेरा मानना है कि जो 3 आउट हुए हैं ना वो कोई अच्छी बॉल पे नहीं आउट हुए वो अपनी गलती से आउट हुए हैं जैसे पंत आप दे ले दूसरा बॉल खेल रहा है फुल टॉस पे आउट हो गया रोहित शर्मा वही बॉल को है इनसाइड आउट मारता या मिड ऑफ की तरफ छक्का हो जाना था उसके बाद सूर्य कुमार यादव थोड़ा सा प्रेशर आता है उस वक्त आप एज ए बैट्समैन टाइम लेते हैं हमारा कहने का मतलब रिजवान हो या कोई भी हो यहाँ पे वो एक एंड उसने संभाला हुआ था उसकी कसर अक्षय पटेल ने फिर दुबे ने आके निकाली उसने भी 50 के बाद अपना गियर चेंज किया लेकिन एक जितना टोटल हम लोग कल कह रहे थे 170-177 कर लिया था तो एक चांस तो था ना कि फाइट करने का साउथ अफ्रीका को बैक फुट पे ले जाने का कोहली ने आपके ख्याल यानी अब तो जाहिर एक तरीके जीत गए और जाहिर उस जीत में कोहली ने कंट्रीब्यूट किया वो तो ठीक है क्रेडिट मैं जी जी प्लीज साथ साथ ये अमराराज मनाजिर भी दिखा रही है स्कोर कार्ड भी हमारे सामने ठीक कह रहा है कि 47-48 बॉलों पे 50 किया लेकिन ये है कि उस टाइम जरूरत थी टीम को चाहे वो पाकिस्तान की टीम होती चाहे इंडिया की होती चाहे साउथ अफ्रीका की होती ये ऐसी इनिंग्स कोई भी खेलता तो हम लोग अप्रिशिएट ही करते कि एक डिसेंट टोटल बनाया बॉलिंग के आगे फिगर्स देखिए दोस्तों मैच के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं देखिए जब तकरीबन आप कह सकते हो डिकॉक आउट हुए तब लग रहा था कि मैच भारत के तरफ घूमेगा लेकिन उसके बाद 2 ओवर में तकरीबन 40 रन के करीब हमारे स्पिनरों ने रन दे दिए और तब कुछ बचा ही नहीं था 30 बॉल पर 30 रन था 30 बॉल पर अगर 40 रन भी होता तो हम सोच सकते थे कि नहीं पाकिस्तान वाला सिचुएशन हो सकता था हालांकि ये पाकिस्तान वाला जो मैच जहां से घुमा था ये उससे भी बड़ी जीत है क्योंकि पाकिस्तान वाला जो मैच जिस पोजीशन से घुमा था वो तो चलो थोड़ा बहुत बॉलिंग को मदद कर रहा था लेकिन ये पिच ऐसा नहीं था कि ये पिच सिर्फ मतलब बॉलरों की के लिए पिच था और अब तक आप देखोगे जितने भी जहां पर स्टेडियम पर खेल हुआ है ये पिच बैटिंग के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा था 30 बॉल पर 30 रन और जहां पर 5-6 विकेट हाथ में हो और एक सेट बैट्समैन हो जो पिछले 2 ओवर में ही 35-36 रन कर चुका है वहां से उस पोजीशन से जीतना नामुमकिन था लेकिन बुमराह हो गए हार्दिक पांड्या खासकर जिनको हम आईपीएल में ट्रोल कर रहे थे उन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हो मेहनत की अर्षदीप ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और 3-4 बॉलर की वजह से हम ये ट्रॉफी ना सिर्फ जीते बल्कि विराट कोहली रोहित शर्मा द्राविड़ ये तीनों के एक तरीके से आखिर ये वर्ल्ड कप था उनको हम एक तरीके से कह सकते हो उनके लिए ये ट्रॉफी हम जीते जैसे 2011 तेंदुलकर के लिए जीते थे और मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं भी काफ़ी इमोशनल हो गया हूँ
दोस्तों आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।